ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। हम हाजिर हैं फोन इन कार्यक्रम लेके। मैं आपके साथ शीतल और मेरे साथ हैं नीलम। और ये विशेष फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नीलम बहन बताते हैं हमारे श्रोताओं को हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय। आज का हमारा विषय है गन्ने की फसल सुरक्षा एवं देखभाल। और हमारे स्टूडियो में आमंत्रित गन्ना विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गजे सिंह। आप प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष कीट विज्ञान संभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार गन्ना विशेषज्ञ विभाग अध्यक्ष सकोती टांडा इंडियन पोटाश लिमिटेड। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निरंकार दत्त वशिष्ठ। और हम श्रोताओं को बता दें हमारे फोन नंबर है 2342-1082 यानी कि 2342-1082 और दूसरा नंबर है 2342-1083। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने गन्ने की फसल से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो समाधान पा सकते हैं। चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के। डॉक्टर गजय सिंह जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और निरंकार जी आप भी हमारे साथ हैं आज। तो जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तो जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और निश्चित तौर पे पूरी मेहनत लगाते हैं और लगाने के साथ साथ पैसा भी लगता है और जब गन्ने में कोई कीट और बीमारी आ जाती है तो निश्चित तौर पे उनकी फसल का नुकसान होने के साथ साथ उनको जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और गन्ने से अधिक उत्पादन लिया जाए तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसकी फसल सुरक्षा। अब वो फसल सुरक्षा किस तरीके से की जाए, किस तरीके से गन्ने की फसल की देखभाल की जाए, इसके लिए हमारे दोनों विशेषज्ञ तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब जो इस समय गन्ने की फसल खड़ी हुई है खेतों में और बरसात भी अच्छी हुई है और इस बरसात के पानी का जो खेतों में फसल खड़ी हुई है तो उसका क्या प्रभाव होगा? गन्ने की फसल वैसे तो बहुत मजबूत फसल है लेकिन अगर लगातार उसमें पानी खड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से जो जड़ों से पोषक तत्व हैं वे लेने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे उसमें रोग बढ़ने के जो चांस हैं वे बढ़ जाएंगे। अगर उसमें कोई रोग ग्रसित कोई क्लंप है तो उसी खेत में अगर पानी भरा है तो उसके फैलने के भी बहुत चांस हो जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो जहां तक हो सके बहुत दिनों तक गन्ने की फसल में पानी खड़ा ना होने दे, किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से उसको गन्ने के खेत से बाहर निकालने का प्रयास करें। और डॉक्टर साहब अगर पानी उसमें कम है तो वो फसल के लिए लाभकारी है? हाँ निश्चित रूप से फसल को ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर लगातार पानी खड़ा रहेगा तो हमारी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो पोषक तत्वों का जाना है ऊपर पौधे के अंदर उसमें कमी आ जाएगी और निश्चित रूप से हमारी फसल पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। एक किसान भाई का फोन है उसको लेते हैं। हेलो सर, मेरा नाम रजनीश बिश्नोई है और मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। जी क्या सवाल है आपका? सवाल सर ये है, एक तो है पोका बोइंग के लिए कि सर पोका बोइंग जो है ज्यादा आ रहा है, इसके लिए क्या चीज डाली जाए
अभी मैंने कॉपर उसमें लगा दिया गया है। दूसरा सवाल है सर, है वो है मोटाई के लिए। गन्ने की फसल में आपने निश्चित रूप से 0238 वेराइटी लगाई होगी। जी सर। हाँ, इस वेराइटी का ये बहुत ही मुख्य रोग है और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा कि जब हमारी फसल 1.5-2 महीने की होती है उस समय जो पत्तियां होती हैं वो आपस में या तो पूरी नहीं खुलती या आपस में एक दूसरे के साथ लिपटी होती है। देखा आपने ये? जी सर। हाँ हाँ, ये इस रोग की जिसको हम पोका बोइंग कहते हैं उसकी पहली स्टेज होती है। अब दूसरी स्टेज का समय आ गया है, जो बीज की गोब है वो गल जाएगी, जिसको हम टॉप रोट स्टेज कहते हैं, और लगातार अब जब गन्ना बन जाएगा तो ऊपर की जो छोटी छोटी पोरियां बन करके उसको ऐसे काट देगा ये रोग जैसे किसी चाकू ने काटी है, नाइफ कट इसको कहते हैं स्टेज। तो इसकी रोकथाम मैं आपको बताऊंगा बिश्नोई जी, कि जो प्रारंभिक अवस्था है जिस अवस्था में पत्तियां पूरी नहीं खुलती और आपस में उलझी रहती हैं उस समय इस रोग की रोकथाम अच्छे से हो सकती है। उसमें आपको ऐसा करना है कि जो कार्बेंडाजिम होती है, कई बार बेविस्टिन के नाम से भी आती है, उसका 1 ग्राम उसकी मात्रा ले ले, पाउडर के रूप में आती है, और उसको 1 लीटर पानी में घोल ले। तो आपके खेत में गन्ने के लगभग 40-50 लीटर पानी लगेगा, तो 1 बीघा अगर आप लेते हैं खेत तो उसमें 50 लीटर पानी में 50 ग्राम दवाई घोल करके पहला स्प्रे करें, और ठीक 10-12 या 15 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे। जब जो आपने नाम लिया, मैं समझता हूँ कि आप काफी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, काफी प्रगतिशील फार्मर हैं, तो COC जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, उसकी लगभग 3 ग्राम मात्रा ले आप, 2-3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी, और दूसरा छिड़काव 15 दिन के बाद करें, तो आगे जो आने वाली स्टेज है रोग की वो भी रुक जाएगी टॉप रोट। विस्मय जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का हल आपको मिल गया होगा। एक और श्रोता लाइन पर है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए। जिला मुझे एक तो हम ईट जो बोल रखा है वो और किस बीज है। अच्छा जी, उसमें तो अंडा पत्थर पर गया, इनकी दवाई बताओ डॉक्टर साहब, जो अंडा मोटा और वो। हाँ जी, धर्मपाल सिंह जी धन्यवाद, आपने जो इस वैरायटी में आने वाली एक चुनौती है उसके बारे में बताया। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर उसके पौधे सूखते हैं तो निश्चित रूप से रेड रोट की समस्या उसमें आनी शुरू हो गई है, अंदर से जो गन्ना लाल हो जाता है। हाँ, अगर आप देखेंगे जब गन्ना हो जाएगा, बन जाएगा इसमें, तो बीच में से काटेंगे तो वो गन्ना लाल रंग का दिखाई देगा और बीच बीच में उसमें सफेद धब्बे भी दिखाई देंगे। आप बता रहे हैं कि गन्ना सूख गया है, तो निश्चित रूप से ऐसे है जी, धर्मपाल जी ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उसका सिर सूखता है क्या? सही कह रहे हैं आप। देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जब आप गन्ने की बंधाई करें ना, तो बंधाई में ये चीज का ध्यान रखें कि गन्ना ही बांधे, उसमें उसका जो अगोले का, जहाँ से अगोला स्टार्ट होता है ना, वहां से नहीं बांधना आपको, थोड़ा नीचे करके बांधना है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ऊपर से बांध देंगे और टाइट बांध देंगे, इसकी भी तो कोई ऐसी बता दो जो गंडा पहले की तरह मोटा हो इसका। देखो, वैरायटी ये जो 0238 है, एक तो बहुत पुरानी हो गई है, और इसमें जो अब टिलिंग बढ़ गई है, पहले उतनी टिलिंग थी नहीं, तो गन्नों की संख्या जब बढ़ गई है तो अब देखो मोटाई के लिए आपको इसका और तरीके अपनाने पड़ेंगे। एक तो इसमें बीज सुधार करना पड़ेगा आपका, और आपको अपने गन्ने की जो दूरी कितनी रखते हैं आप गन्ने के में लाइन से लाइन की दूरी? 30 इंच की। हाँ जी। हाँ चलो, 30 इंच की तो ठीक है आपकी दूरी, 45-40 इंच की भी रात कभी। अच्छा। हाँ देखो, बीज का एक अपना एक समय होता है, कितने दिन से बुआई कर रहे हैं आप इसकी 38 की? 10-12 साल। हाँ देखो, बीज की अपनी भी एक मियाद होती है, और उसकी उत्पादन की मोटाई की अपनी, क्योंकि अभी जो प्रजाति है 0238 ये अब बिल्कुल इसका अब जो टाइम है वो नजदीक आ गया है, मतलब ये इसकी जो इसमें जो ओजस्व था, जो इसमें विग्रस था, वो अब कम हो गया है। तो देखो, मोटाई का तो मुश्किल है, वही है कि दूरी हमें इसकी दूरी बढ़ाएं, या गन्ने में जो आप इसका कर रहे हैं कि निकाई गुड़ाई के टाइम पे आप इसका ध्यान रखें, जिससे टिलरिंग आपको सही टाइम पर टिलरिंग हो जाए, और टिलरिंग सही टाइम पर होगी तो गन्ने की मोटाई भी होगी। धर्मपाल जी, बोल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले श्रोता ने भी सवाल किया था कि मोटाई गन्ने की बढ़े, इसका मतलब ये है टिलरिंग अंग्रेजी का एक इस्तेमाल हो गया है, मतलब जब ब्यांत ज्यादा कर जाता है, एक जगह ज्यादा पौधे हो जाते हैं,
तो इस वजह से वो फूल नहीं पाते हैं। हाँ हाँ, इसमें यही है कि अब जो टिलिंग है ना गन्ने में, टिलिंग तो ज्यादा आ गई है, तो जब टिलिंग बढ़ेगी तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि उनकी मोटाई भी कम हो जाएगी। अच्छा, जैसे आपने वैरायटी की बात करी, कौन सी वैरायटी है और ज्यादा लंबे समय बोने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या हमें और नई वैरायटी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, वैरायटी देखो जो 38 है, और 38 का विकल्प देखो किसान भाई, क्योंकि इसका उत्पादन इतना अच्छा है कि और प्रजाति का इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए किसान को पसंद आनी बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इसके विकल्प में कुछ प्रजाति आई हुई भी हैं, जैसे CUS 13235 है और CO 15023 है, और एक और लखनऊ की प्रजाति भी आई है CO LK 14201। तो ये जो प्रजाति है ये यहाँ के लिए संस्तुत है, इनको भी आप बो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि इनका जो सवाल है उसका इनको हल मिल गया होगा। और डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, आप जिक्र कर रहे थे बीमारियों के बारे में, और कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? देखो, वैसे तो गन्ने की मुख्य बीमारी लाल सड़न रोग है, जिसमें शुरुआत में जब छोटी अवस्था में होती है, तीसरी चौथी पत्ती सूखती है, लेकिन जब गन्ना बड़ा हो जाता है वो पूरा का पूरा सूख जाता है। इसकी पहचान ये है कि इस गन्ने को अगर बीच से हम काटें तो उसमें लाल रंग दिखाई देगा और बीच बीच में वो लाल रंग सफेद धारियों से कटा होगा। दूसरी पहचान ये है कि ऐसे गन्ने जो लाल रोग से ग्रसित हैं जी, उनको हम तोड़ते हैं तो वो तुरंत टूट जाते हैं। दूसरी बीमारी उकटा आती है। उकटा बीमारी का जो हमें पता चलता है वो सितंबर अक्टूबर में चलता इसमें है। जो रेड रोट बता रहे हैं आप, जी, तो जी, मतलब गन्ना सड़ जाता है, लाल हो जाता है जी, इससे बुआई के समय भी तो कुछ इसका इंतजाम किया जी? जरूर जरूर जरूर, ऐसा होता है कि बुआई के समय जितना गन्ने में ध्यान दे लेगा किसान भाई उतना ही उसका गन्ना अच्छा होता है। सबसे पहले तो हमें बीज के लिए वो खेत चुनना है जिसमें ये रोग ना आया हो, उसी खेत से बीज लें जो बिल्कुल रोग से दूर हो। उसके बाद बीज जब हम कटाई करते हैं, बीज की कटाई करते समय ये ध्यान रखें कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके दोनों सिरे होते हैं वे लाल रंग के ना हों। तीसरा ध्यान किसान भाई को ये देना है कि इस रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार जरूर करें जी। बीज उपचार के लिए अगर केमिकल हम लेते हैं, फंजीसाइड लेते हैं, तो उसमें बेविस्टिन का 200 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल करके लगभग 35 कुंतल बीज का हम उपचार कर सकते हैं। दूसरा, हमारे थोड़े से बायो फंजीसाइड भी होते हैं जिसमें टाइकोडर्मा है, टाइकोडर्मा का 500 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल करके उससे बीज उपचार कर सकते हैं 30-35 कुंतल एक ड्रम में। उसका बीज उपचार बहुत जरूरी है। इसके बाद किसान भाई उसकी बुआई करें। बुआई करने के बाद एक फोन कॉल आ गया है डॉक्टर साहब। जी 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 जी, हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? राकेश जी। राकेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि गन्ने में गोबर डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? राकेश जी, गन्ने में गोबर की खाद का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वो अच्छे से सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए। कच्ची गोबर अच्छा। की खाद डालेंगे तो वो दीमक को बुलाती है, दीमक के अच्छा। लिए बहुत अच्छा भोजन बन जाती है और आपके खेत में दीमक का प्रकोप हो जाता है। पहले गोबर की खाद को अच्छे से तैयार कर लें उलट पलट कर, उसके बाद अपने खेत में लगभग 200 कुंतल प्रति हेक्टर पर किस समय डालना है ये भी। तो जैसे ही खेत खाली हो, खेत खाली, जब आपके खेत खाली हो बुआई के लगभग 20-25 दिन पहले कम से कम उस गोबर की खाद को खेत में डाल करके और उसकी जुताई कर दें, तब तक वो मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी के साथ मिल जाएगी। इसके बाद आप गन्ने की बुआई करें तो निश्चित रूप से आपका गन्ना बहुत अच्छा होगा। और जो आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, चाहे NPK डालो, चाहे आप यूरिया डालें, चाहे आप DAP डालें, तो इनका भी प्रभाव बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि गोबर की खाद से ऑर्गेनिक मैटर मिलता है जिसकी गन्ने की फसल को बहुत जरूरत होती है। इसलिए आप जरूर डालें सड़े हुए गोबर की खाद, तैयार किए हुए गोबर की खाद। एक और श्रोता लाइन पे है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर, मैं कृष्णा धाना बोल रहा हूँ, ग्राम सिलारपुर, जिला हापुड़ से। जी बाना जी। सर, मेरा सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि अब जो बारिश हो रही है, हमारी ज्यादा बारिश हुई है, हमारे खेतों में पानी रुक चुका है और पोका बोइंग आना शुरू हो गया है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे हमारा जो पानी का टेम्परेचर धूप से बढ़ा हुआ है उससे हमारे गन्ने फसल को नुकसान ना हो और हमारा पोका बोइंग से छुटकारा मिल जाए। बाना जी, वैसे तो मैं अभी एक किसान का क्वेश्चन यही था, उसमें भी
उनको बताया था, लेकिन आपको फिर से बता देता हूँ। सर मेरा एक चीज ये थी, खेतों में पानी रुक चुका है, उसका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए भी तो पूछ रहा हूँ सर मैं, को कवरिंग भी प्लस ये। हाँ, खेत में अगर पानी बढ़ा और टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे आईपीएल के जो शुगर केन के हेड हैं वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। देखो अडाना जी, सबसे पहले तो आप पानी का निकालने का प्रबंध करें, क्योंकि ज्यादातर पानी अगर रुक जाएगा तो वो नुकसान करेगा और पोका बोइंग को भी आमंत्रित करेगा। सर जो खेत है वो करीब 4 फीट गहराई में, तो पानी निकालना तो संभव नहीं हो पा रहा है। नहीं तो वो तो ठीक है, आपकी बात, आपकी समस्या ही है, लेकिन भाई पानी का जो नुकसान करेगा वो तो पहले तो प्रायोरिटी हमारी पानी से नुकसान करने से बचाने की है ना। क्योंकि उसमें आप जिस खेत में पानी होगा उसमें ये बताइए कि उसका कंट्रोल कैसे कर लेंगे आप, कोई दवाई तो उसमें डाल नहीं सकते आप उसमें। दवाई तो करेंगे जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पाइप वाइप से स्प्रे वगैरह से करना पड़ेगा, दवाई तो स्प्रे कर देंगे उसमें। हां तो जी, यही मतलब है कि पहले पानी की निकासी होगी तभी आगे आप नियंत्रण कर पाएंगे। नियंत्रण के लिए उसमें जो है आप कई दवाइयां आई हुई है उसमें, उससे आप कंट्रोल कर सकते, जैसे सीओसी है, सीओसी के साथ में जैसे कैसुनामाइसिन है उसको आप दोनों को मिलाकर कर सकते हैं, या सीओसी के साथ में आप ये जो स्ट्रेप्सोसाइक्लिन है ना उसका एक पाउच आता है उसको गर्म पानी में घोल के उसको भी कर लेते हैं, उससे भी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बाकी एक थायोफिनेट मिथाइल भी है, वो भी कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा सा उसका जो डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं खेत में पानी भी है, तो अगर पानी खेत में है तो उसमें आप, क्योंकि स्प्रे की स्थिति भी मुश्किल हो जाएगी, तो आप में उसके में खेत में आप वैसे भी डाल सकते हैं दवाई का बुरकाव भी, जड़ों के पास में बुरकाव भी कर सकते हैं, तो उसमें आप थायोफिनेट मिथाइल 1 एकड़ में 500 की जो रिकमेंडेड है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, 750 ग्राम से लेकर आपको 1 किलो तक भी थायोफिनेट मिथाइल डालकर आप इस दवाई से भी निदान पा सकते हैं। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जिक्र किया कि रेड रोट बीमारी आती है, उसके उपचार के बारे में भी आपने बताया, इसके अलावा और कौन सी समस्याएं आती हैं? जी, इसके अलावा दूसरी जो बीमारी है वो उकटा रोग है। उकटा रोग में होता यह है कि अंदर से पूरा गन्ना लाल होता है, अगर उसको चीर के देखते हैं पूरा गन्ना सिकुड़ जाता है और उसका अगोला भी सफेद हो जाता है, उसको बीज से तोड़ते हैं तो वो पिचक जाता है जी। और उकटा रोग में बीज, यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसे खेत से बीज लें जिसमें इस तरह का रोग ना आया हो। ऐसे बीज काटते समय ये ध्यान रखें कि कोई रोगीला जो टुकड़ा है वो खेत में बोने ना पाए, उसको अलग निकाल दें। और ऐसे खेत जिनमें ये रोग दिखाई दे तो उनकी मेंड बना दें, उनका पानी दूसरे खेतों में ना जाने दें, और बीज को उपचारित करके ही बोएं, चाहे आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें बीज को। और मैं तो ये भी सलाह दूंगा किसान भाइयों को कि इन दोनों रोगों की रोकथाम, चूंकि बीज से ही आते हैं, अपने खेत का भी उपचार करें। अपने खेत में 5 से 7 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये पाउडर के रूप में आता है और ये बायोफंजिसाइड है जो इस रोग के जो रोगाणु है उनको मारता है। तो अपने खेत में खेत की तैयारी के समय 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति हेक्टर अच्छे खाद में मिलाकर के 20-25 किलोग्राम बारीक खाद में मिलाकर के बखेर दें, और खेत की तैयारी के समय खेत में मिला जमीन में बखेरना है, जमीन में, जमीन का भी उपचार करें खेत की तैयारी के समय, खेत की तैयारी के समय बीज के उपचार के साथ साथ जमीन यानी मिट्टी का भी उपचार करें तो बहुत ही अच्छा होगा। डॉक्टर यतेंद्र पवार जी, जैसे आपने जिक्र किया था कि किसान भाई जो गन्ना बांधते हैं जी, उसमें गोले वाले जो एरिया है उसको ना बांधें, और क्या क्या सावधानी बरतें? हाँ देखो, अब ये टाइम क्योंकि ये जुलाई का महीना चल रहा है और कुछ खेत बंधाई के लिए भी आ गए हैं, तो बंधाई के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखें जी। अभी एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं, उन्हें सुन लेते हैं। हेलो, हेलो भाई। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह यादव है, मैं जिला बिजनौर यूपी से बोल रहा हूँ। जी यादव जी, क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न ये है कि 5% गन्ने में पत्ती जो है ऐसी रह गई है, ऊपर वाली कॉटन गन्ने की, अब उसकी बढ़वास ही रुक रही है। हाँ देखो, जो आपकी गन्ने की पत्तियां ऐंठ रही है ना जी, हाँ, तो आपके गन्ने में पोका बोइंग नाम की एक फफूंदी की बीमारी है, और वो जो बीमारी है वो हवा के द्वारा भी फैलती है, तो उसके लिए आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आप कार्बन डाइजीम जो है वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में के दर से उसका आप प्रयोग करें, या सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसके कंट्रोल के लिए,
15 दिन के अंतर पर आपको एक बार और करना पड़ेगा स्प्रे, एक स्प्रे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये बीमारी जो है वो हवा से फैलती है। क्योंकि अगर आपने स्प्रे कर दिया, पता चला कि आपके पड़ोस में है उसने स्प्रे नहीं किया, तो जैसे मौसम उस बीमारी के अनुकूल होगा वो आपके खेत में दोबारा आ जाएगी। तो इसीलिए 15 दिन के इंटरवल पे या अंतर पे आपको स्प्रे दोबारा करना पड़ेगा इस बीमारी से निजात पाने के लिए। स्प्रे होना था मुश्किल है, एक बार हो गए ना। हाँ हाँ, अगर आपका स्प्रे नहीं हो रहा है तो जो COC जो दवाई है इसको आप जमीन पे भी डाल सकते हैं, मतलब 500 ग्राम एक एकड़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए डॉक्टर पवार। आप गन्ने की जो बंधाई है उसके बारे में जो सावधानी बरती जानी चाहिए उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको, क्योंकि जो गन्ने की बंधाई है, देखो गन्ने की बंधाई तब करनी चाहिए जब गन्ने की लंबाई आपके मतलब कुल्ले तक आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद में जो गन्ने की साइड की पत्तियां हैं उनको ऐसे लपेट के ट्विस्ट करके उसको बांध दे। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गन्ना इस तरीके से बंधाई करे कि उसका या तो अगोला ना, मतलब जो अगोले के साइड पे ना बंधा करे, मतलब बढ़वार पे फर्क पड़ेगा। हाँ, उसकी वहीं पर जैसे आप टाइट करके बांध देंगे ऊपर उससे, तो उसको बढ़वार वहीं पे रुक जाएगी और गन्ना सूखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ गन्ने बिल्कुल सीधे चल रहे हों, उनको बांधना उनको भी जरूरी है या उनको नहीं? सीधे गन्ने को ही बांधना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो बारिश आएगी, बारिश के साथ में हवा आएगी तो गन्ना गिर जाता है। और गन्ना गिरने से नुकसान क्या होता है, देखो अगर गन्ना गिरेगा, गिरने के बाद में क्या, गन्ने की जो जड़ है वो खड़ जाती है और गन्ना फिर उससे भी सूखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जी। नहीं, कई बार ये सवाल आता है कई किसान भाइयों का कि मान लीजिए उनके 50 गन्ने हैं, उनमें से 40 झुक रहे हैं, 10 खड़े हैं, तो क्या उनको भी जरूरी है बांधना? भाई जब खड़े हैं तो कई बार ये दिमाग में आता है कि उनसे उनकी मोटाई घट जाएगी, इसका नुकसान है या फायदा है? नहीं, देखो एक चीज है कि क्योंकि हवा तो बारिश से हमें गिरने से बचाना है, तो ये नहीं कि वो सीधे खड़े हैं तो हम बांधे ना, तो बांधना तो पड़ेगा क्योंकि गन्ने को बारिश का और इसका आंधी का कोई टाइम तो है नहीं फिक्स। तो गिरने वाले गन्नों को भी, हाँ गिरने वालों को भी उनके साथ में ही सपोर्ट दे के उनको भी बांध सकते हैं। और डॉक्टर साहब गजय सिंह जी, और क्या क्या सावधानी बरतनी है इस समय? इस समय एक टॉप बोरर इंसेक्ट होता है, उस टॉप बोरर इंसेक्ट से अपने गन्ने की फसल को बचाना है, मुख्य इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार जी और डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, इनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारा फोन इन कार्यक्रम जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हैलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉली हैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉली हैलाइट। एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का हमारे फोन इन कार्यक्रम में। हम बताते अपने श्रोताओं को, जिन्होंने रेडियो सेट अभी चालू किया है या रेडियो सेट से जुड़े हैं, हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम करने की पाठशाला जारी है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल
किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो बहन भाइयों, ये फोन इन कार्यक्रम है। आज का विषय है गन्ने की फसल सुरक्षा एवं देखभाल, और इसके लिए हमारे गन्ना विशेषज्ञ जो आमंत्रित हैं स्टूडियो में, डॉक्टर गजय सिंह, आप प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष कीट विज्ञान संभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यतेंद्र पवार गन्ना विभाग अध्यक्ष शकोती इंडियन पोटाश लिमिटेड से। तो आपकी किसान बहन भाइयों कोई भी समस्या है गन्ने फसल से संबंधित, इसके लिए आप फोन कर सकते हैं, और हमारे फोन नंबर है 2342-1082, और दूसरा हमारा फोन नंबर है 2342-1083, और दिल्ली से बाहर के जो भी हमारे श्रोता है 011 लगाना ना भूलें। और देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी, आप विभाग अध्यक्ष हैं कीट विज्ञान विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, और वहाँ पर आप से बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हैं जी। और आपका जो क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, उनसे भी संपर्क रहता है, आपको काफी अनुभव है इस क्षेत्र में जी। अभी आपने जिक्र किया था कुछ बीमारियों का, जो गन्ने में बीमारियां आती हैं, इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों के सवाल कीट के ऊपर भी आते हैं कि कुछ कीट भी लगते हैं जी। कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? वैसे तो निरंकार भाई, गन्ने की फसल में जो तीनों भाग होते हैं, जड़ का हिस्सा उस पर अलग तरह के कीट लगते हैं, तने का हिस्सा जिसको हम गन्ना कहते हैं उस पर अलग तरह के कीट लगते हैं, और जो पत्ती अगोला जो गन्ने का तीसरा हिस्सा होता है उस पर अलग तरह के कीट लगते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो इस समय जो गन्ने की फसल में कीट का प्रकोप होने का जो समय है वो टॉप बोरर है, अगोला बेदक भी इसको कहते हैं। इस कीट के प्रभाव से जो ऊपर की टॉप है ये ऊपर से घुसता है और जो अगोला है वो वही कम है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल आ गई है, जारी रखेंगे। हेलो, मेरा नाम जयपाल सिंह है, सहारनपुर से बोल रहा है, यूपी से। हाँ जी जयपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, बारिश बहुत हो रही, पानी जो है वो बह रहा है, पानी निमटने के बाद गन्ने में क्या सावधान बरतनी चाहिए? तो एक तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस बारिश के बाद में गन्ने में टॉप बोरर की समस्या आने का पूरी संभावना है। उसके लिए अगर हो सकता है आप टाइको कार्ड बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, वहां से ले जा करके अगर आप 1 हेक्टेयर आपका क्षेत्र है 5-6 कार्ड आप ले जाएं और उनको एक कार्ड को 10-10 जगह से काट करके पूरे खेत में समान रूप से फैला दें, लगा दें पत्ती के नीचे बार को रखते हुए, तो जो भी इस समय टॉप बोरर अंडे देगा उसकी तितली और दूसरे जो कीड़े जो गन्ना बेदक होता है उसकी भी जो तितली अंडे देती है पत्ती के ऊपर, और जो आगे गुरदासपुर बेदक आएगा वो भी उसकी तितली अंडे देती है पत्ती के नीचे, इन सबको वो अंडे को नष्ट करने वाला कीड़ा है, मित्र कीट उसे कहते हैं, ट्राइकोग्रामा उसका नाम है, और ट्राइको कार्ड के रूप में मिलता है, उस सहारनपुर में बहुत ले जाते हैं, हो सकता है आपको पूरी जानकारी हो, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से सहारनपुर में ट्राइको कार्ड बहुत जाते हैं, ये जैविक नियंत्रण है, इससे बहुत प्रभाव आपका गन्ने की टॉप बोरर का फसल पर नहीं पड़ पाएगा। इसके बाद अगर आप कीटनाशक जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल है 0.4% का, फर्टीरा के नाम से भी जानते हैं आप लोग, उसे जरूर डाल दें। अगर जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसने आपका बुरकाम नहीं हुआ तो इस समय जरूर उसको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से कूड़ों के साथ डाल करके, पानी की तो कुछ कमी अब नहीं है जैसा आपकी बातों से लग रहा है मुझे, तो उसको जरूर डाल दें, पानी कम होते ही उसको जरूर डाल दें, तो टॉप बोरर और जो आने वाले इंसेक्ट हैं कीड़े जो गन्ने को प्रभावित करते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। जैसा पानी चल रहा, पानी निमट तो ही, पानी में जड़ छोड़ दो भाई, वरना इसका क्या इलाज? जी वो तो एक कैरेक्टर है गन्ने का, अगर पानी में उसमें ऐसा होता है कि गन्ना भी लड़ता है, ऐसा नहीं कि हम पानी निकालने के लिए लड़ रहे हैं खेत से पानी, गन्ना भी अपने आप को जीवित करने के लिए लड़ता है,
वो जड़ इसलिए निकालता है कि पानी के प्रभाव से वो गिरने की उसकी संभावना हो जाती है। गन्ना भी जीवित है तो वो अपने आप को रोकने के लिए जमीन के ऊपर अलग से जड़ निकालता है। आपने जैसे पीपल में देखी होंगे, जब पीपल बड़ा होता है अपने को सपोर्ट देने के लिए वो जड़ निकालता है, ऐसे ही गन्ना भी निकालता है। उसको पता है इस बात का कि मैं गिरने वाला हूँ, इसलिए अधिक जड़े निकाल करके मैं उस जमीन को पकड़े रखूं जिससे मैं ना गिरूं। तो उसका नुकसान तो कुछ पता नहीं, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर वे जड़े मिट्टी से ढक जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। बाद में आप जो पोषण देंगे खाद के रूप में या दवाई के रूप में ग्रेन्यूल उसमें डालेंगे तो वे ज्यादा जड़े उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके शोषित करके गन्ने को उससे उसकी ग्रोथ और उसको कीड़ों से बचाएंगे। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद जयपाल जी। हम बात कर रहे थे कीटों की, डॉक्टर साहब। जी जी जी, तो मैं टोपोरे की जो बात बताई, अगर किसी किसान भाई ने अभी तक जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया तो वो जरूर अब कर ले। और इस समय 20 किलोग्राम फर्टेरा क्लोरेंटल निरिप्लोर होता है, वो अगर कम लगती है तो उसको सूखे रेत या राख में मिला करके कूड़ो वार डाल दे उसको। पानी हमारे श्रोताओं को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जी जी, हमारे लाइन पर है जी। हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? संजय कुमार बोल रहा जी, तहसील असन, जिला करनाल, हरियाणा से। जी संजय कुमार जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले बताया, हम ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं गन्ने में। तो ट्राइकोडर्मा दो प्रकार का आता है सर, ट्राइकोडर्मा वीर्ली और ट्राइकोडर्मा हर्जीनियस। तो कौन सा बेनिफिशियल होता है? हर्जीनियम ज्यादा अच्छा है। हर्जीनियम का प्रयोग करें सीड ट्रीटमेंट में भी और सोयल ट्रीटमेंट, मिट्टी के उपचार के लिए भी और बीज उपचार के लिए। बीज उपचार के लिए 500 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल करके अपने गन्ने के टुकड़े इसमें भिगो करके तब बुआई करें। और खेत की तैयारी के समय लगभग 5-7 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जीनियम लेकर के पाउडर 25-30 किलोग्राम अच्छे बड़ी गोबर की खाद में मिला करके पूरे खेत में पखेर दें। इसके बाद खेत की जुताई करके उसको उस मिट्टी में मिला दें। इसके बाद वो जीवित चीज है, अपने आप उसमें वो बढ़ता रहेगा। और जो दूसरे रोग गन्ने की फसल में रोग फैलाना चाहते हैं उसके रोगाणु को वो कंट्रोल करता रहेगा। जैसे हम शुरुआत में किसी कारण से न कर पाए इसको यूज, क्या दोबारा मतलब कोई ऐसे टाइम पीरियड है जिसमें यूज हो सकती है? हो तो सकती है, लेकिन आपकी खेत की मिट्टी में उसको मिला सकते हैं। आप खुदाई करते हैं बखेर करके खेत की मिट्टी की, जैसे आप वीडिंग करते ठीक हैं, जब करते हैं। मिट्टी में मिलाना जरूरी है वो, क्योंकि मिट्टी में ही काम करेंगे वे। तो मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें पानी देना चाहिए, मतलब नमी होनी जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा, नमी उसके लिए जरूरी है, वो भी जीव है, उसे भी चाहिए। सूखा होगा तो वे फिर स्पोर बन जाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रख लेगा वो स्पोर बना करके, पड़ा उसी में रहेगा लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी जमीन में कार्बनिक पदार्थ भी होना जरूरी है। बिल्कुल सर, जीवांश पदार्थ। तो एक और करना चाहूंगा सर मैं, मतलब इसमें जैसे हम जो है हमारे ये अवशेष प्रबंधन है तो किसान भाई कुल में ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब जैसे हम गन्ना की कटाई होती है, कटाई के बाद काफी मात्रा में इससे निकलता है, अगर उसको हमें मशीनों के द्वारा अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर दे उसको कर दें तो इससे हमारी बहुत खाद भी बचेगी, प्रदूषण भी नहीं होगा और आने वाले फ्यूचर के लिए ऑर्गेनिक खेती का बहुत बढ़िया यो है। बिल्कुल है, बहुत अच्छा ऑप्शन है वो। बहुत अच्छी बात आपने बताई और सब किसान भाई सुन रहे होंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो डॉक्टर मेरा आखिरी सवाल और एक सर, जैसे ये बोरल की समस्या बहुत ज्यादा है जी। तो और एक जैसे नैनो यूरिया का, क्या गन्ने में भी नैनो यूरिया उतना यूजफुल है जो सामान्य यूरिया? और भी उससे भी अच्छा है, क्योंकि नैनो यूरिया जो है वो स्प्रे के रूप में यूज होता है तो उसके और भी फायदे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि टॉप बोरर, देखो यूरिया अगर ज्यादा इस्तेमाल आप करोगे तो देखो टॉप बोरर के आने के चांसेस बढ़ते हैं, कीट ज्यादा आकर्षित होते हैं। हाँ नहीं नहीं, जो निश्चित मात्रा से वही डालते हैं ज्यादा। हाँ, जो आपकी रिकमेंडेड है, अगर आपने पूरा पोषण नहीं किया है फसल का तो आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आप टाइम चले, एक मैं बात कहता हूँ, जैसे हमने ज्वार में था, अभी मैंने ज्वार लगाई थी अप्रैल में और मैंने एक में सामान्य खाद डाला, एक में मैंने उसको ये इफको यूरिया डाला नैनो यूरिया जी। तो उन दोनों में कंपैरिजन किया, जैसे वो जो दूसरे वाला था उसका मतलब ज्यादा थरगट था, उसका मतलब काला कलर था, मतलब ज्यादा बढ़वार थी, वो दूसरे का जैसे नैनो यूरिया पीला था। तो मैंने खुद प्रैक्टिकल मैंने खुद करके देखा है, लेकिन उसमें इतना डिफरेंस क्यों है? और एक इसकी जो एक मतलब नैनो यूरिया की ना एक लिमिट क्यों होती है? जो सामान्य यूरिया तो आप कभी डाल दो 2-3 साल के बाद, लेकिन इसमें टाइम लिमिट है, क्यों ऐसा? बात है कि आपका टाइम लिमिट इसमें होता है क्योंकि पत्तियों का होना बहुत जरूरी है। जो नॉर्मल यूरिया होता है देखो वो तो जमीन में डालते हैं, लेकिन नैनो यूरिया के लिए पत्तियां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही पौधा उसको अवशोषित करता है। नहीं नहीं, पत्तियां तो अगर उसकी डेट फिक्स नहीं होती है, जैसे 2 साल के लिए अगर उसके बाद डेट निकल जाए तो उसको मतलब यूजफुल नहीं है नैनो यूरिया। एक्सपायरी डेट देखो, एक्सपायरी डेट तो देखो सबकी, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, यूरिया रखा रखा भी खराब हो जाता है। अच्छा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई यूरिया भी रखा रखा आपने देखा नहीं, उसमें वो जो पत्थर सा बन जाता है।
बिल्कुल सर। हाँ तो देखो हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है एक्सपायरी की। संजय जी ठीक है सर, आपने किया धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी और सर ने आप बहुत सी समस्याओं का समाधान किया। हमारे क्लास में जो साथी किसान भाई हम ग्रुप में बैठे थे और हम जैसे आपका ऐप से सुन रहे हैं जी, तो जी। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा और रोचक ज्ञानवर्धक है और मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए रेडियो एक वरदान है। और आपने जो कहा कि आपके साथी भी कार्यक्रम का लाभ लेते हैं, तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोता हमारे कार्यक्रम से ज्यादा लाभ ले सके। और आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए आपका और आपके दोस्तों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब बात कीटों की चल रही थी, कीटों की बताया था कि इस समय सभी किसान भाई अल्टेरा का जरूर प्रयोग कर लें, जिसकी मात्रा मैंने बताई 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, सूखे रेत या राख में मिला करके कूड़ोवार डालें, नमी है तो बहुत अच्छा, अगर नमी नहीं है तो ऊपर से सिंचाई कर दें। उसकी जो पीढ़ी है ना, इस समय टोपोरल की तीसरी पीढ़ी आएगी, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है वो चौथी पीढ़ी जी। इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब के साथ में एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जो भी ये केमिकल यूज करते हैं जैसे पटेरा यूज कर रहे हैं, उनमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। मेरा उनसे एक अनुरोध है कि यूरिया ना इस्तेमाल करें, उसमें चाहे रेत लें, गोबर की सड़ी हुई खाद ले लें जो बारीक रूप से हो, तो मतलब उसमें ये यूरिया ना इस्तेमाल करें। तो मैं आगे और बताऊंगा जो इंसेक्ट कहीं कहीं गुरुदासपुर भेदक की भी समस्या आती है। इसमें होता क्या है कि गुरुदासपुर भेदक की जो सुंडी है वो ऊपर से घुसती है, दूसरी तीसरी पोरी में जाकर के चारों तरफ से उनको ऐसे काट देती है जैसे आरी से गन्ने को काट दिया हो। उसका परिणाम ये होता है कि ऊपर का गोला सूख जाता है। बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन किसान भाई इससे जरूर घबरा जाते हैं कि हमारी फसल कैसे सूखने लगी। पोरी को काटता है, हाँ ऊपर से स्प्रिंग जैसा चलता है, उससे काट दिया आरी से चारों तरफ से, उसके बाद ऊपर का सारा गोला सूख जाता है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये समस्या अगस्त लास्ट या सितंबर में आपको दिखाई देगी। आप किसी ऊंचे पेड़ पे खड़े होकर के अपने गन्ने की फसल को देखें कि किस खेत में इस तरह के गोले हैं, पूरे गन्ने को नष्ट ना करें। उस दो जहां से आरी की तरह से कटा हुआ है पोरी, उसके नीचे से गन्ने को काटते हैं, वो गन्ना बना रहेगा, प्रभावित क्षेत्र को ही काटें बस। हाँ बस केवल प्रभावित, इसमें कोई उस समय दवाई भी नहीं डाल सकते, सुंडियां अंदर होती हैं उसमें, उसका प्रभाव दवाई का वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप उसका क्वेश्चन भी चाहे ना पूछे, इस 0238 वेराइटी जो अभी भी बहुत क्षेत्र में है, इसमें तो बोरर की और अर्ली सूट बोरर की समस्या हमेशा आती है, और मैं जितने भी किसान भाइयों से मिला हूं बातें की हैं, वो इसकी रोकथाम के लिए जब गन्ना बुआई के 1.5 महीने बाद, लगभग 35 दिन बाद 40 दिन बाद, क्लोरेंट्रा नीली प्रोल का, चाहे वो कोरोजन के रूप में हो, तो उसका स्प्रे कर देते हैं ऊपर से स्प्रे लेके। लेकिन मैं किसान भाइयों को, चूंकि इस पर मैंने इवेल्यूशन किया इसका 2 साल, तो इसकी एक तो मात्रा एक कड़ में 150 मिलीलीटर, दूसरा पानी की मात्रा निश्चित 400 लीटर पानी होना चाहिए। तो 150 मिलीलीटर मात्रा 400 लीटर पानी में घोलें, उसके बाद पौधों को नहलाना है, छोटी बूंदों से नहीं, स्प्रे की बूंदों से नहीं, उस पर डालना पत्तियों पे, किसी करवे से, किसी हजारे से, या नोजिल निकाल करके पूरे पौधे को नहलाते चले जाना है, और उसके तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके उसकी सिंचाई कर दें। तो ये समस्या है दूसरी तीसरी पीढ़ी तक जो टॉप बोरर की और जो अर्ली सूट बोरर आता है, इनकी समस्या से तभी निजात पा जा सकते हैं। किसान भाई करते क्या है, उसको घोल करके, जैसे मेरे साथी ने अभी बताया डॉक्टर यतेंद्र जी ने, कि वो यूरिया में मिलाकर फर्टिलाइजर डाल देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बताया, मैंने बताया सूखे रेत या राख में मिला करके आप उसको कूड़ोवार डालें, नमी है बहुत अच्छा, नहीं है तो सिंचाई करते हैं। ऐसे ही इसमें क्या करते हैं, लिया स्प्रे कर दिया, उससे उसका प्रभाव नहीं मिलता और उनका पैसा पूरा लग जाता है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि उचित मात्रा 150 मिलीलीटर प्रति एकड़, उचित पानी 400 लीटर, उसमें उसको घोल लें, किसी हजारे से, करवे से, किसी से भी पौधों को नहलाते हुए चले जाएं और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो निश्चित रूप से इतनी अच्छी दवा का प्रभाव आपको खेत में जरूर दिखाई देगा, जो कीट की समस्या है अर्ली सूट बोरर की, टॉप बोरर की, उसकी नहीं आएगी। इसी तरह से एक समस्या जहां रेतीली जमीन है, पानी कम दे पाते हैं किसान भाई, वहां दीमक की समस्या भी आती है, और इस दीमक की समस्या से निजात पाने के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है कि दूसरे उपाय भी करें, कच्चा गोबर ना डालें किसान भाई, उससे दीमक ज्यादा आती है। और छोटी फसल में अगर दीमक का प्रभाव दिखाई देता है तो उसमें सिंचाई के पानी के साथ न करके उसको क्लोरपाइरीफॉस से कीटनाशक आता है, उसकी 5-6 लीटर मात्रा 1 हेक्टर के लिए काफी होती है, उसको डालने के लिए सूखे रेत या राख में मिला लें और पूरे खेत में बखेर दें। अगर छोटी फसल है
और ऊपर से सिंचाई कर दे तो दीमक की समस्या का हल हो जाता है। अगर किसान भाई देखते हैं कि फसल बड़ी हो गई, उस राख को या रेत को जिसमें हमने क्लोर पायरिफोस मिलाया 5-6 लीटर एक हेक्टर के लिए, उसको बखेरेंगे तो वो पत्तियों पर रह जाता है। इसलिए ऐसे खेत जो बड़े हो गए हैं जिनमें गन्ना बड़ा हो गया है, उसमें सिंचाई के पानी के साथ बूंद बूंद टपका करके क्लोर पायरिफोस को क्या रिवाइज उसको सिंचाई के पानी के साथ देते हैं, दीमक की समस्या का समाधान हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था, किसानों की समस्याएं हल हो रही हैं, लेकिन समय की सीमा है इसीलिए अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी और डॉक्टर यतेंद्र पवार जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ अपने श्रोताओं को बता दें हमारा फोन इन कार्यक्रम अभी चल रहा था, विषय था गन्ने की फसल सुरक्षा एवं देखभाल और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार, नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी, कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव नन्ना लाल। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।